नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकित और आइए एक नजर डालते हैं कुछ प्रमुख खबरों पर। 2019 लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार किसानों के हक में बड़ा फैसला ले सकती है। आज होने वाली कैबिनेट बैठक में सरकार खरीफ फसल की एमएसपी करीब 1.5 गुना बढ़ाने पर अपनी मुहर लगा सकती है। इस फैसले से खरीफ की फसल में सीधा 200 रुपए प्रति क्विंटल तक की बढ़ोतरी होगी। मोदी सरकार कुल खरीफ की 13 फसलों की एमएसपी पर फैसला कर सकती है। दिल्ली में उपराज्यपाल अनिल बैजल और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के अधिकारों के मामले में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने फैसला पढ़ना शुरू कर दिया है। जज ने कहा कि देश में लोकतांत्रिक मूल्य ही सबसे बड़ा है, चुनी हुई सरकार जनता के लिए जवाबदेह है, लिहाजा अधिकारों में संतुलन जरूरी है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह बुधवार से जम्मू कश्मीर का 2 दिवसीय दौरा करेंगे। इस दौरान वे श्रीनगर में एक उच्च स्तरीय बैठक में हिस्सा लेंगे और पवित्र अमरनाथ गुफा में शिवलिंग के दर्शन करेंगे। सूत्रों ने कहा कि राजनाथ सिंह श्रीनगर के लिए बुधवार शाम निकलेंगे और शुक्रवार वापस लौटेंगे। अंडमान द्वीप समूह में बुधवार सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार भूकंप सुबह 5:25 पर जमीन में 10 किलोमीटर की गहराई में आया। फिलहाल भूकंप में जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है। अमरनाथ यात्रा शुरू हो चुकी है। भोले के हजारों भक्त इस यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं, लेकिन मंगलवार शाम यात्रा के रूट पर बड़ा लैंडस्लाइड हुआ जिसमें 3 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। इनके अलावा 3 श्रद्धालु घायल भी हुए हैं। लैंडस्लाइड की ये घटना जम्मू कश्मीर के गांधीरबल जिले में हुई। सुनंदा पुष्कर मौत मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर की ओर से कोर्ट में दायर अग्रिम जमानत की याचिका पर कोर्ट आज सुनवाई करने वाली है। विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार अग्रिम जमानत की याचिका पर सुनवाई करने वाले हैं। इन दिनों मुंबई भारी बारिश की चपेट में है। 2 जुलाई से एक्टिव हुआ मॉनसून वहां अगले 2 से 3 दिन और प्रभावी रहेगा। मॉनसून हिमालय के क्षेत्रों में ज्यादा एक्टिव रहने के कारण उत्तर प्रदेश के उत्तरी शहरों में अच्छी बारिश होगी। देवरिया, गोरखपुर, भागलपुर में भारी बारिश होने की संभावना है। अगले 24 घंटे तक मॉनसून का असर ऐसे ही बना रहेगा। सीरिया के होम्स प्रांत में जिहादियों के एक हमले के दौरान इस्लामिक स्टेट सरगना अबू बकर अल बगदादी का बेटा हुदैफा अल बद्री मारा गया है। आईएस की प्रोपोगेंडा एजेंसी अमाक की ओर से जारी किए गए एक बयान में कहा गया है कि होम्स में थर्मल पावर स्टेशन पर नुसायरिया और रूस के खिलाफ अभियान में अल बद्री मारा गया। तिब्बत में कैलाश मानसरोवर की तीर्थ यात्रा से नेपाल के जरिए वापस आने के दौरान फंसे करीब 1500 भारतीयों में से 250 से ज्यादा को हिल्सा से मंगलवार को निकाल लिया गया है। वहीं अन्य भारतीयों को निकालने के प्रयास तेज कर दिए गए हैं। भारतीय खराब मौसम और भारी बारिश के चलते नेपाल के पर्वतीय क्षेत्र में फंस गए हैं। पाकिस्तान के अबदस्त प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ भ्रष्टाचार के 4 मामलों में सुनवाई कर रही जवाबदेही अदालत उनमें से एक पर शुक्रवार को फैसला सुनाएगी। फैसला देश में 25 जुलाई को होने वाले आम चुनावों से कुछ सप्ताह पहले सुनाया जाएगा। शरीफ और उनके 3 बच्चों के खिलाफ जवाबदेही अदालत में भ्रष्टाचार के 4 मामले चल रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में तय, आप बने रहिए EMSTV के साथ। नमस्कार। जनावन सेल्स, क्रॉम्पटन ग्रीव्स के गीजर, पंखे, एनलाइटिंग ल्यूमिनरीज, हैवी ड्यूटी एग्जॉस्ट फैंस एंड कूलर फैंस की संपूर्ण रेंज, एल मोनार्ड के फैंस, पेडिस्टल फैंस, एग्जॉस्ट फैंस एंड एयर कर्टन की विस्तृत रेंज। जेनाविन सेल्स, नियर भारत टॉकीज, फर्स्ट फ्लोर, हमीदिया रोड, भोपाल। जेनाविन सेल्स, क्रॉम्पटन ग्रीव्स के गीजर, पंखे, एनलाइटिंग ल्यूमिनरीज, हैवी ड्यूटी एग्जॉस्ट फैंस एंड कूलर फैंस की संपूर्ण रेंज, एल मोनार्ड के फैंस, पेडिस्टल फैंस, एग्जॉस्ट फैंस एंड एयर कर्टन की विस्तृत रेंज। जेनाविन सेल्स, नियर भारत टॉकीज, फर्स्ट फ्लोर, हमीदिया रोड, भोपाल। जेनाविन सेल्स, क्रॉम्पटन ग्रीव्स के गीजर, पंखे, एनलाइटिंग ल्यूमिनरीज, हैवी ड्यूटी एग्जॉस्ट फैंस एंड कूलर फैंस की संपूर्ण रेंज, एल मोनार्ड के फैंस, पेडिस्टल फैंस, एग्जॉस्ट फैंस एंड एयर कर्टन की विस्तृत रेंज। जेनाविन सेल्स, नियर भारत टॉकीज, फर्स्ट फ्लोर, हमीदिया रोड, भोपाल।